वाराणसी में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाकर सर्किट हाउस से रवाना किया। अनिल राजभर ने कहा कि दिव्यांग लोग बहुत ही सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, उनको देखते हुए ये सेवा रथ चालू किया गया है, जिससे सरकार द्वारा जारी की गई सभी सुविधाएं उन लोगों तक पहुँच सके। प्रचार गाड़ी के प्रबंधन में गैर सरकारी संगठन नई सुबह द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग हितार्थ योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में गैर सरकारी संगठनों को जोड़कर योजनाओं के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए दिव्यांग रथ को रवाना किया जा रहा है। प्रचार गाड़ी में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं के पैम्पलेट्स और पंजीकरण फार्म भी रखे गए हैं। ये हमारी एक संस्था है और मैं डॉक्टर साहब को बधाई भी देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी संस्था की तरफ से जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके बीच में सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए आज ये वाहन एक बनारस जनपद के लिए और एक जौनपुर जनपद के लिए आज इस संस्था के सहयोग से, डॉक्टर साहब के सहयोग से हम लोगों को मिला है। उनका काम ये है कि दिव्यांगों के बीच में ये जाएंगे, दिव्यांगों का पूरा रिकॉर्ड इन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। दिव्यांगों के बीच में जाना, उनको अवेयर करना, सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उससे उनको जोड़ना ताकि सरकार की योजनाओं को उनको लाभ उनका लाभ मिल सके, उनको मदद मिल सके। गौरतलब है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद के सभी विकास खंडों और शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए दिव्यांग रथ नाम से एक प्रचार गाड़ी का शुभारंभ किया गया है।